अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ दिलनवाज। आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपके लिए खबर लेके आया हूँ कि रमज़ान मुबारक में अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। मज़ीद डिस्कस करूँगा आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अपने देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में जो घंटी का बटन दबा दें ताकि इसके बाद भी हमारी आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। और नाजरीन, मेरी कुछ तबीयत नासाज है, मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे जल्द सेहतयाब करे, आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, रमज़ान और मुबारक में उम्रे के लिए कोविड टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है। और एक खुशी की खबर यह है कि सऊदीया में जो कि फ़्लाइट पे पाबंदी लगाई गई थी कोविड की तादाद ज़्यादा होने की वजह से, उसमें बहुत हद तक कमी आई है और जो कोरोना के केसेस हैं वो 400 से अबव हो गए थे लेकिन अब 200 से नीचे आ चुके हैं। इसी हवाले से एक समरी पेश की गई है जो वलीयत सऊदीया है उनको कि अगर इजाज़त हो तो हम रमज़ान में उमरा शरीफ शुरू करें। बाकी जो इसका फाइनल फैसला है वो जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट आने के बाद ही फाइनल फैसला किया जाएगा कि सऊदीया के अलावा किन किन ममालक को रमज़ान में उमरे की इजाज़त दी जाएगी। तो नाजरीन, यही थी मेरी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी उम्रे के हवाले से या हज के हवाले से हम कोशिश करेंगे बर वक्त आप तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।